दोस्तों बॉलीवुड में प्लेबॉय के नाम से मशहूर महेश भट्ट अपने अफेयर्स को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। साथ ही आलिया भट्ट भी अफेयर्स में अपने पिता से कुछ कम नहीं। आलिया ने भी कई मशहूर एक्टर्स से अफेयर्स चलाए। अगर आप भी इनके अफेयर्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आलिया के अफेयर्स लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है रमेश दुबे का। आपको बता दें रमेश और आलिया क्लासमेट थे, साथ पढ़ने की वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती बनी। आपको जानकर हैरानी होगी दोनों ने एक दूसरे को सिक्स्थ क्लास तक डेट किया। और बात करें आलिया के यंग एज अफेयर्स की तो आलिया का दिल सबसे पहले अली ददारकर के लिए धड़का। फिल्म में आने से पहले आलिया अली को ही डेट कर रही थी। दोस्तों ये लंबे टाइम तक साथ रहे, फिर आलिया को लेकर खबरें आई कि आलिया कविन मित्तल को डेट कर रही हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है। आलिया और कविन की मुलाकात एक सेमिनार में हुई जिसमें दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि आलिया ज़्यादा टाइम तक इनके साथ नहीं रह पाई। फिर आलिया ने बॉलीवुड में कदम रखा और स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया। उसी दौरान आलिया सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट करने लगी, लेकिन कुछ कारणों से आलिया और सिद्धार्थ का ब्रेकअप हो गया। सिद्धार्थ से ब्रेकअप होते ही आलिया और वरुण धवन की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगी और इनकी आई मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने इन दोनों को और नज़दीक कर दिया। लेकिन बाद में आलिया ने वरुण को भी छोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल आलिया रणवीर कपूर को डेट कर रही हैं। दोनों ही कई बार इशारों में डेटिंग की खबरों को कन्फर्म कर चुके हैं। अब आलिया ने खुलकर कह दिया है कि वे सिंगल नहीं हैं और वे 30 साल की उम्र से पहले रणवीर से शादी कर लोगों को सरप्राइज कर देंगी। वहीं रणवीर ने भी कहा कि मैं लुका छुपी का खेल नहीं खेलूंगा, मैं बहुत खुश हूं और अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन वक्त जी रहा हूं। आलिया के आने से मेरी लाइफ में बेहद पॉजिटिविटी आई और मैं उनसे शादी करने में नहीं चूकूंगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको पापा की परी आलिया के अफेयर की स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।